नमस्कार, हेल्प वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अपनी सैलरी स्लिप को देख सकते हैं, अपने GPF और CPF को कटौती को देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ecoshonline.cg.nic.in की वेबसाइट में जाना होगा। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ecoshonline.cg.nic.in वेबसाइट में लेफ्ट हैंड साइड में। इस वेबसाइट में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ई पेरोल का ऑप्शन दिखाई देगा, ये हाईलाइट है यहाँ पे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। उस पेज में आपको लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आपको देखना है, एम्प्लॉय कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। एम्प्लॉय कॉर्नर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज में पहुंच जाते हैं। लॉगिन करना होता है, जहां आपको एम्प्लॉय कोड है होगा, आपको एम्प्लॉय कोड डालना है उसमें, और पासवर्ड के रूप में अपने एम्प्लॉय कोड को दोबारा डालना है, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यदि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1983, तो मेरे को यहाँ पर 010383 भरना है, 19 नहीं भरना है। तो ऐसा करके जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, नया पेज ओपन हो जाएगा। आप अंदर चले जाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें एक एम्प्लॉय डिटेल का ऑप्शन है, वहां जाकर आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पर दिखने लगेगी, अपने नाम सहित पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉय की दिखने लगेगी। तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर, और एम्प्लॉय डिटेल्स को आप देख भी सकते हैं। इसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, पूरा बायोडाटा होगा ईकोश पोर्टल का। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई देता है सैलरी स्लिप का। तो यहाँ पर आप सैलरी स्लिप के ऑप्शन में जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ईयर और मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कब का अपना सैलरी स्लिप देखना है। तो मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसमें गेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सैलरी स्लिप दिखना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी यूजफुल पोर्टल है दोस्तों, ये बताया गया है। इसमें आप अपने GPF CPF की जो कटौती है उसको भी ऑनलाइन देख सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप को ऑनलाइन देख सकते हैं, अपनी एम्प्लॉय की डिटेल्स को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि GPF EPF CPF की स्लिप देखना, तो आप इसमें ईयर सिलेक्ट करेंगे अपना, और ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही गेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से क्लिक हियर टू डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद अपनी जो डिटेल्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी एक एडवाइस है दोस्तों कि आपको ये अपनी डाउनलोड्स करके अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी सैलरी स्लिप को, अपनी GPF स्टेटमेंट CPF स्टेटमेंट को ये सेव करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।